हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटर बंडी। आज हमारे पास में है एम्पियर का NXG। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप स्कूटर देख रहे हैं ये फ्यूचरिस्टिक स्कूटर आ जाता है एम्पियर की तरफ से, जो कि इंडियन मार्केट में फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अभी इंडियन मार्केट में इसको रिवील कर दिया गया है ऑटो एक्सपो 2023 में। अगर आप ये स्कूटर देखेंगे ना, काफ़ी शानदार स्कूटर यहाँ पर कंपनी ने डिज़ाइन किया है, अच्छी सी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके यहाँ पर फ्रंट पोर्शन से, तो फ्रंट पर आप देखेंगे ना ये काफ़ी यूनिक यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाता है और फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रखा गया है। अभी जो जिस तरह से इसको पेश किया गया है फ्रंट पर, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ये खूबसूरत सी लाइट यहाँ पर डिज़ाइन की गई है फ्रंट पर। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो यहाँ पर ये LED लाइट जलती हुई नज़र आती है, और ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पर एम्पियर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, वो भी यहाँ पर इसके अंदर लाइट दी गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो ये जलता हुआ नज़र आता है, जिससे क्या है कि ये स्कूटर और भी खूबसूरत हो जाता है। वहीं इस कलर पे जो यहाँ पर ये सिल्वर कलर रखा गया है, जिसकी वजह से ये और भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। साइड में यहाँ पर स्लीक सी डिज़ाइन देख रहे हैं ये, इधर यहाँ पर साइड में इंडिकेटर्स आ जाते हैं और अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 90/90 सेक्शन का टायर दिया गया है, 12 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं और ये यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी आ जाता है। तो फ्रंट का कुछ ऐसा डिज़ाइन है। अब बात करते हैं इसके यहाँ पर साइड पोर्शन की, तो यहाँ पर साइड पे आप देखेंगे तो साइड में कुछ भी यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये पूरा प्लेन रखा गया है। और ये जो आप यहाँ इसके फुटपैक्स देख रहे हैं ना, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी यहाँ पर डिज़ाइन रखी गई, इसलिए इसके फुटपैक्स भी अंदर की तरफ में आ जाते हैं और यहाँ पर भी स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। और जो इसकी चाबी होगी ना वो ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रिक चाबी होगी, इससे क्या है कि आप यहीं से बटन से प्रेस कर सकते हो, आपको बस चाबी अपने पॉकेट में रखनी होगी। वहीं 7 इंच का यहाँ पर TFT देखने को मिल जाता है, 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर हो जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर राइडिंग मोड्स भी आ जाते हैं, 100+ किलोमीटर की यहाँ रेंज मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग आ जाता है। यहीं से आप कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट जैसे फीचर्स, नेविगेशन का, ये सारा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, राइडिंग मोड्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और इधर यहाँ पर ये डिफरेंट बटन्स दी गई है, जहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो बटन्स भी हैं वो काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पर इसकी डिज़ाइन की गई हैं। सीट की बात करो, सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, लंबी सी सीट आ जाती है। बाकी यहाँ पर ये स्कूटर रियर से भी देखेंगे तो काफ़ी अलग सी यहाँ पर डिज़ाइन रखी गई है, और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लीक सी डिज़ाइन आ जाती है। तो ये फ्यूचरिस्टिक स्कूटर है जो आने वाले टाइम पर इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। कैसा लगा आपको ये स्कूटर आप मुझे बताइए। बाकी कंपनी फ्यूचर में इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, और एम्पियर ने आज कई सारे स्कूटर इंडियन मार्केट में रिवील किए हैं ऑटो एक्सपो 2023 में। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एम्पियर की सेल की बात करूँ तो इंडिया में 5,000, 6,000, 7,000 यूनिट पर मंथ इंडिया में सेल होते हैं, और टॉप 10 की लिस्ट में ये कंपनी रहती है इन टर्म ऑफ सेल। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।